महानगर मुरादाबाद पीली कोठी रानी प्रीतम स्कूल के पास इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वावधान में 22 वर्षों के भांति इस 23वें वर्ष में भी श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रसधारा प्रवाह का आयोजन कथा व्यास श्रीमद् साक्षी गोपाल दास जी महाराज इस्कॉन अध्यक्ष धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मुखारबिंद से दूसरे दिन भी जारी रहा। कथा व्यास कथा के दूसरे दिवस जैसे कि कथा स्थल पर पहुंचे श्रद्धालुओं द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके पश्चात महाराज जी ने दरबार में विराजमान गुरुदेव एवं राधा की मनमोहक प्रतिमाओं के समक्ष दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद दिया। वहीं पीली कोठी रानी प्रीतम स्कूल के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमद् भागवत कथा के अनेक प्रसंग सुनाए। इसी क्रम में कथावाचक ने कहा कि भगवान कभी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते, जरूरत पड़ने पर भक्तों के दुख हरने के लिए हरि अवतार लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में हमारे कर्म करने के द्वारा सुख और दुख पैदा करेंगे। दो जन्मों के अनुसार कर्म का कर्म करने से फल मिलेगा। जैसे आज हमने भोजन खाया है वो आज तो ही पैदा होगा, वो तो पिछले साल की फसल है, गौरव है उसमें। पिछले साल की फसल हम आज खा रहे हैं, यही बात है ना। तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल हम क्या कर रहे हैं, इस जन्म में भुगतान कर रहे हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, महाराज हमारे बच्चे का जन्म कब हुआ, कि जन्म से बीमार है, इतना कष्ट नहीं है, ऐसा क्यों? अच्छा लोग पूछते हैं, कुछ ने आप कुछ किया नहीं संसार में, कौन सी नहीं है, बचपन से इतने जन्म कष्ट आ गया है, बोलिए हरे कृष्णा। अब तो ऐसे से बच्चे जो माँ के गर्भ में बीमार निकल रहे हैं, माँ के गर्भ में बीमार हो गए हैं। आज मेरा दिमाग घूम जाता है, जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं अध्यात्म ज्ञान में उसका दिमाग घूम जाता है। जब तक भगवान ने हमें श्वास दिए है तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम ये भागवत कथा सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। सुनने से लाभ यह होगा, हानि नहीं होगी। क्या बोला? भागवत कथा सुनने से किसी को हानि नहीं होती, क्या होता है बोलो? लाभ होता है। भागवतम के लिए दसवें स्कंध में गोपी गीत में गोपियां कह रही है। गोपी गीत तो श्रीमद् भागवत का हृदय है, पूरी भागवत का हृदय गोपी गीत है। और गोपी गीत का जो हृदय है ये श्लोक है गोपियों का, और इसमें कहते हैं तव कथा अमृतम। श्री कृष्ण आपकी जो कथा है वो तो अमृत है। तप्त जीवनम, और जो संसार में अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं उनको ये जीवनदायी है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण
राजा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण रानी प्रीतम स्कूल के पास चल रही कथा के दूसरे दिवस कथा का आरंभ पुरोहित सतीश उनियाल एवं आचार्य सर आनंद जी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। इसके बाद कथा व्यास श्रीमद साक्षी गोपाल दास जी हैं, भगवान की विभिन्न लीलाओं का सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। साथ ही कथा के दूसरे दिन भी समापन पर जहां एक और कथा में विशेष रूप से सहयोग देने वाले सभी भक्तों को व्यासपीठ से कथा व्यास द्वारा प्रसाद एवं श्री राधा कृष्ण की छवि देकर सम्मानित किया गया, वहीं आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण हुआ। इस मौके पर अशोक सिक्का, वैष्णव त्रियादास, अजय गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, उमेश यादव, अभय गुप्ता, मुदित अग्रवाल, ओम प्रकाश, जल देवदत्त नारंग, मनोज कुमार, भारत सुहाना, साथ ही भारतीय अजय सहगल, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार, भारत सुनाना, डॉक्टर अनिल महेश, डॉक्टर सुधीर मिठा, अनीता मीणा आदि लोग मौजूद रहे।